फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेफ्रोन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 8 वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया। वी डू मैनी एक्शंस एवरी डे यानी कि हम कुछ काम हर रोज करते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि काम। तो हम कुछ काम हर रोज करते हैं, जैसे कि खेलते हैं, दौड़ते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही। मैनी एक्शंस ऑल्सो हैपन अराउंड अस एवरी डे यानी कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम हर रोज करते हैं और हमारे आसपास दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हम खेलते हैं, नहाते हैं, या फिर हम ऐसे घूमने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स यानी कि उसमें जो क्रिया होती है, हम जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स। अ वर्ब्स डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अ फैक्ट एंड पोजिशन यानी कि ये हमें डेफिनेशन दी है। अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अ फैक्ट एंड पोजिशन। तो वर्ब किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम करने का या होने का पता चलता है उससे क्या कहते हैं, वर्ब्स। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वर्ब्स में शब्द यानी कि लेटर्स, तो लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो हमें दिखाता है एक्शन यानी कि जिसको पढ़ने के बाद पता चले कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई चीज़ है उसका पता चले, तो उससे क्या कहते हैं, वर्ब्स। तो उसमें एक्शन यानी कि कुछ काम करना यानी कि क्या काम दिया है वो। अफेक्ट, फैक्ट यानी कि हकीकत, जैसे कि आप बोलते हो ये मेरा भाई है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे पापा है, ये तो ये सारा क्या हुआ, फैक्ट। फैक्ट यानी कि ये हकीकत है। एंड पोजिशन, पोजिशन यानी कि कोई चीज़ कैसी है, जैसे कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो फ्रेंड कैसा है, बेस्ट फ्रेंड है। फिर आप बोलते हो ये बैग हैवी है यानी कि भारी है, तो वो बैग कैसी है, भारी है, तो वो क्या हुआ, पोजिशन। तो वर्ब्स किससे कहते हैं, कि हमें कोई शब्द दिया हो उसका यानी कि कोई सेंटेंस दिया हो जिसको पढ़ने से पता चले कि ये काम हो रहा है या फिर कोई चीज़ दी है उसका पता चले, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब्स। फिर हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सीमा स्लीप इन अ सोफा सॉफ्ट बेड यानी कि सीमा है वो सॉफ्ट बेड में सोई है। तो स्लीप क्या हुआ, एक्शन यानी कि वो क्या कर रही है, सो रही है, तो उसमें से स्लीप क्या हुआ, एक्शन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सीमा इज माय सिस्टर। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया फैक्ट किससे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सीमा इज माय सिस्टर यानी कि सीमा है वो मेरी बहन है, तो वो क्या हुआ, फैक्ट। फैक्ट यानी कि हकीकत यानी कि जो सीमा है वो मेरी बहन है। सीमा हैज़ अ फ्रेंडली डॉग, तो यहाँ पे पोजिशन क्या हुआ, फ्रेंडली हैज़, तो यहाँ पे क्या है, वो डॉग कैसा है, फ्रेंडली है, तो वो क्या हुआ, पोजिशन। और भी एग्जांपल जैसे कि स्पीक यानी कि बोलना, गो गो यानी कि चले जाना, लर्न यानी कि पढ़ना, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, वॉक चलना, रीड पढ़ना, टीच सिखाना, प्ले खेलना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, तो ये सारी भी चीज़ें होती है जो हम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब्स। फिर यहाँ पे लिखा है वर्ब्स ऑफ डूइंग। वर्ब्स ऑफ डूइंग डिस्क्राइब एक्शन ऑफ पर्सन एंड एनिमल और अ थिंग्स यानी कि वर्ब्स हमें क्या, यानी कि वर्ब्स में क्या होता है कि कोई पर्सन या फिर एनिमल या फिर कोई चीज़ है वो कैसी या फिर क्या कर रही है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ डूइंग। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्ले, तो वो क्या हुआ, वर्ब्स ऑफ डूइंग प्ले यानी कि खेलना, तो देखिए यहाँ पे लड़की है वो खेल रही है, तो प्ले क्या हुआ, वर्ब्स। फिर देखिए यहाँ पे कुक, कुक यानी कि खाना बनाना, तो वो भी क्या हुआ, वर्ब यानी कि वो कोई क्रिया यानी कि काम कर रहा है, जैसे कि वो खाना बनाता है, और यहाँ पे ये जो लड़की है वो खेल रही है। फिर यहाँ पे लिखा है स्लीप, तो स्लीप भी क्या हुआ, एक्शन यानी कि वर्ब, तो वो क्या हुआ, सो रहा है, तो वो भी क्या हुआ, एक क्रिया, तो ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि मैंने आपको बताया कि लेटर का ऐसा ग्रुप जो हमें दिखा था है एक्शन यानी कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद पता चल जाए कि
कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई चीज़ है उसका पता चले तो उसको क्या कहते हैं? वर्ब्स। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर ए, सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट अ न्यू सेंटेंस विद दैट वर्ब। यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसमें से वर्ब ढूंढना है, उस पर सर्कल करना है और वही वर्ब का यूज़ करके अगेन ऐसा नया सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, मदर विल फिल अ बॉटल विथ पिकल। पिकल यानी कि अचार। तो फिल क्या हुआ, वर्ब यानी कि वो क्या कर रही है, फिल। फिल यानी कि कैसे वो, फिल यानी कि वो कैसे बॉटल में अचार भरती है वो क्या कहते हैं, फिल। फिल तो क्या हुआ, वर्ब। तो उसी के वर्ब का यूज़ करके एक नया सेंटेंस बनाया है, आई विल फिल अ बॉटल विथ वाटर। यानी कि मैंने भी फिल किया है कि बॉटल में पानी कैसे भराया जाता है। ऐसे ही सेकंड है, रॉनी क्लोज द विंडो। क्लोज यानी कि बंद करना, तो वो क्या हुआ, एक वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, तो क्लोज क्या हुआ, वर्ब। तो उसी वर्ब का यूज़ करके अगेन एक सेंटेंस बनाते हैं, रोनी क्लोज द डोर। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, द किंग हेल्ड अ मीटिंग। तो जो राजा है उसने, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड यानी कि आयोजित करना, तो उन्होंने एक मीटिंग का आयोजित किया, हेल्ड यानी कि आयोजित करना, तो वो क्या हुआ, वर्ब। तो उसी वर्ब का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया है मैंने, जैसे कि द किंग हेल्ड अ सॉर्ड। सॉर्ड यानी कि तलवार, तो उन्होंने एक तलवारबाजी का आयोजित किया है। फिर फोर्थ पे है, द लिटल बॉय स्लेप इन द क्लास। यानी कि एक छोटा बच्चा है वो क्लास में सोया है। स्लेप यानी कि सोना, तो वो क्या हुआ, एक्शन। एक्शन यानी कि वर्ब, तो वो क्या कर रहा है, सो रहा है, ये क्या हुआ, क्रिया। तो वर्ब क्या हुआ, स्लीप। तो उसी का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया है, द लिटल बॉय स्लीप्स इन द बेड। यानी कि एक छोटा बच्चा है वो बेड पे सोया है। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, कोलंबस ट्रैवल टू अमेरिका। ट्रैवल यानी कि सवारी करना, तो यहाँ पे ट्रैवल यानी कि कैसे हम जाते हैं कहीं पे, तो हम ट्रैवल करते हैं ना, ट्रेन से, बस से। तो ट्रैवल क्या हुआ, वर्ब। आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो यानी कि सवारी कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, ट्रैवल, वर्ब। तो इसी का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया है, जैसे कि कोलंबस ट्रैवल टू द सी। यानी कि जो कोलंबस है वो सी यानी कि समंदर से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर सिक्स पे क्या है, अ पपैया इज कैप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे कैप्ट क्या हुआ, वर्ब। कैप्ट यानी कि रखा, तो यहाँ पे पपैया टेबल के ऊपर रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कैप्ट का यानी कि वर्ब का यूज़ करके एक अगेन सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैंने बताया है, अ बनाना इज कैप्ट ऑन द टेबल। फिर नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पे क्या लिखा है, सुनीता विलियम्स फ्लू इन द स्पेस। यानी कि जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में उड़ान भर रही है, तो फ्लू क्या हुआ, वर्ब। तो उसी का यूज़ करके एक अगेन सेंटेंस बनाते हैं, कल्पना चावला फ्लू इनटू स्पेस। यानी कि कल्पना चावला भी स्पेस में उड़ान भरने गई थी। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों ही स्पेस में उड़ान भरने गई थी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो सेंटेंस है उसमें से वर्ब ढूंढना है, उस पर सर्कल करना है और उसी वर्ब का यूज़ करके हमें अगेन नया सेंटेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बना के समझाया कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट दिस सेंटेंस ऑन फूड ईटिंग हैबिट्स यूजिंग वर्ब्स। यानी कि हमें अच्छा खाना खाने की हैबिट में करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे वर्ब्स दिए हैं, उसमें से सही वर्ब्स ढूंढ के हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला क्या लिखा है, वी शुड वॉश अ फ्रूट बिफोर वी कट इट। यानी कि हमें फ्रूट को खाने के लिए कट करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। वी शुड थ्रो द स्टॉल फूड इन टू द डस्टबिन। स्टॉल यानी कि बासी, तो जो बासी फूड होता है उससे हमें फेंक देना चाहिए। वी शुड क्यू द फूड इन अवर मंथ। यानी कि हमें अच्छी तरह से
जो खाना है वो चबा के खाना चाहिए। क्यों? यानी कि चबा के, तो हमें जो फूड है खाना वो अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, यानी कि हमें फूड का वेस्ट यानी कि उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। वी मस्ट शेयर अवर फूड विथ अदर्स, यानी कि हमें अपना फूड यानी कि खाना किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, यानी कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बताया कि कैसे अच्छा खाना खाने की हैबिट में क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब्स दिए थे हमने उसका यूज़ करके कंप्लीट सेंटेंस बनाया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे येल्लो बॉक्स में क्या लिखा है, समटाइम एन एक्शन इज डन वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इन दिस केस वी यूज ing विथ द वर्ब। यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि कुछ चीज़ें होती है जो हम कर चुके होते हैं फिर भी उसको हमें उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उस वर्ब के एंड में हमें ing लगाना चाहिए, यानी कि उसी वर्ब के साथ ing लगाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कल खेल रहे थे या फिर आपने कल डांस किया था, तो ऐसे ही आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमने कल डांस किया था। तो डांस क्या हुआ, वर्ब, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ing, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो ऐसे यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर सी, राइट ing वर्ब्स फॉर ईच कैटेगरी। यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ब्स दिए हैं उसके पीछे ing लगा के दिया है, तो उसमें से जो भी चीज़ें यानी कि वर्ब्स कहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो उसका हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए जैसे कि ईटिंग, स्विमिंग, स्टडिंग, राइटिंग, रीडिंग, बिल्डिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, आंसरिंग, शूटिंग, स्लीपिंग, क्लीनिंग, स्लाइडिंग, क्लाइंबिंग, ड्रॉइंग, स्केटिंग, कैलकुलेटिंग, शेयरिंग, कुकिंग, बाथिंग, डांसिंग, ब्रशिंग, सिंगिंग। यानी कि जैसे कि खाना, स्विम करना, स्टडी यानी कि पढ़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, बिल्ड यानी कि बनाना, प्लेइंग खेलना, टॉकिंग बातें करना, आंसरिंग आंसर देना, शाउटिंग जोर से बोलना, स्लीपिंग सो जाना, क्लीनिंग साफ करना, स्लाइडिंग ऐसे झूलना, क्लाइंबिंग चढ़ना, ड्रॉइंग ड्रॉ करना, स्केटिंग करना, फिर कैलकुलेटिंग, फिर शेयरिंग यानी कि किसी के साथ बांटना, कुकिंग खाना बनाना, बाथिंग नहाना, डांसिंग डांस करना, ब्रशिंग ब्रश करना और सिंगिंग। तो ये जो सारी चीज़ें होते हैं हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी चीज़ों को हमें जब बातचीत करते हैं तो उसी वर्ब के साथ हमें ing लगाना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एट होम, तो हम घर में क्या क्या चीज़ें करते हैं, ईटिंग खाते हैं, स्लीपिंग सो जाते हैं, क्लीनिंग होम को साफ करते हैं, बाथिंग यानी कि नहाते हैं और ब्रशिंग यानी कि ब्रश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, एट होम, तो हमें उसमें यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो लिखना है। फिर एट स्कूल, तो आप स्कूल में क्या क्या करते हो, स्टडिंग पढ़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, आंसरिंग उस अगर आप टीचर पूछे आपको क्वेश्चन तो आप उसके आंसर बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आंसरिंग। ड्रॉइंग यानी कि आप पिक्चर ड्रॉ करते हो, और कैलकुलेटिंग यानी कि गिनते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप कहाँ पे करते हैं, एट स्कूल, तो आप स्कूल में ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। फिर है इन द पार्क, यानी कि आप पार्क में जाते हो तो क्या क्या करते हो, जैसे कि सिंगिंग गाना गाते हो, प्लेइंग खेलते हो, स्लाइडिंग झूला झूलते हो, क्लाइंबिंग चढ़ते हो, और स्केटिंग, तो आप स्केटिंग भी करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें वो हम कहाँ पर करते हैं, इन द पार्क, तो उसी में ये जो सारी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो चीज़ें घर में, स्कूल में या फिर पार्क में होती है तो उसमें से ये जो सारे वर्ब्स दिए उसमें से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर डी, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द गिवन वर्ब्स, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं उसको हमें ब्लैंक्स में फिलअप करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे येलो बॉक्स में क्या लिखा है, वर्ब्स दैट टेल दैट द एक्शन इज ओवर इन द पास्ट कैन एंड विथ
ईडी यानी कि आपको पता हो कि आप कुछ चीज़ें हैं वो पास्ट में यानी कि कर चुके हैं पहले ही, आप ये जो सारी चीज़ें हैं वो पास्ट यानी कि भूतकाल में, तो ये जो सारी आप चीज़ें हो वो कुछ चीज़ें आप कर चुके हैं, तो उसको बताने के लिए आप एंड वर्ब के एंड में क्या लगाएंगे, ईडी। जैसे कि आपने कल डांस किया था, यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लीन, तो आपने क्लीन यानी कि साफ किया था, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, क्लीन, क्लीन और ईडी, तो क्या हो जाएगा, क्लीन। फिर है डांस, तो उसके पीछे ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डांस। तो हमें यहाँ पे बताया है कि जो वर्ब होते हैं, कुछ चीज़ें आप कर चुके होते हैं पास्ट में, तो उस वर्ब के पीछे क्या लगाना होता है, ईडी। तो यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज डी में फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस है, सैनी ब्रॉट अ लेटर, ही गेव इट टू द पोस्ट मास्टर। यानी कि आपको पता है कि जो सैनी है वो लेटर लिखती है, उसके बाद वो पोस्टमैन को देती है। माया शो अ हंग्री डॉग, सी फेड इट सम फूड। यानी कि माया ने एक जो कुत्ता है वो उसने देखा कि वो बहुत ही भूखा है, तो उसने उसको उसके बाद खाने के लिए कुछ खाना दिया। द पॉइंट रैंग अ बेल, द पियोन रैंग द बेल, सो द चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर क्लासेस। यानी कि जब स्कूल की बेल बजती है छुट्टी होने की, तो जैसे ही सारे चिल्ड्रंस होते हैं बच्चे, वो कैसे फटाफट से क्लास के बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग करते हो कि जब स्कूल की बेल बजती है तो आप फटाफट से क्लास में से दौड़कर बाहर आ जाते हो। फिर फोर्थ पे लिखा है, मदर मिक्स द केक बटर, लेटर सी बेक द केक इन द ओवन। यानी कि आपको पता है कि जब मम्मी केक बनाती है तो उसमें सबसे पहले बटर के साथ कुछ मिक्स करती है, और उसके बाद उसको ओवन में गर्म होने के यानी के लिए बेक केक तैयार होने के लिए ओवन में रख देती है। फिर फिफ्थ पे लिखा है, द हंटर केस अ रैबिट, द रैपिड होप ओवर द फेंस। यानी कि आपको पता है कि जब शिकारी रैबिट का शिकार करने आता है तो कैसे रैबिट फटाफट से अपनी फेंस यानी कि बाड़ में जाकर छुप जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो चीज़ें पास्ट में हम कर चुके हैं तो उसको बताने के लिए यानी कि वर्ब के पीछे क्या लगाते हैं, ईडी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वर्ब्स हैं, तो हमने यही वर्ब्स को यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें पुट करके कैसे कंप्लीट सेंटेंस बनाए, तो ऐसे ही आपको करना है। तो वर्ब्स यानी कि अगेन वर्ब्स किसे कहते हैं, कि जो ग्रुप्स ऑफ लेटर्स यानी कि हमें लेटर्स का ग्रुप दिया हो, तो उसमें से हमें यानी कि ऐसा ग्रुप जो हमें दिखाता है एक्शन को, एक्शन यानी कि जिसको पढ़ने के बाद पता चले कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई चीज़ हो चुकी है या फिर कोई चीज़ हो रही है, तो उसका पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज डी नंबर तक पढ़ा।